सिवनी के धूमा इलाके में चल समारोह की तैयारी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मां काली की प्रतिमा ट्रॉले में रखी जा रही थी, तभी ट्रॉला हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद तत्काल बिजली लाइन बंद कराई गई और घायलों को आनंद फानंद में लखनादौन सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और स्वेच्छा अनुदान से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।